हम लाते हैं टॉप न्यूज, आपके फेवरेट टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ यूट्यूब पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। सब्सक्राइब कीजिए और हम आपको लिए चलेंगे आपकी फेवरेट वीडियो की तरफ। की पॉलिसी पर गामजन, तहरीक इंसाफ जमहूरी जमात नहीं, नवाज शरीफ की कड़ी तंकीद, पीपुल्स पार्टी से भी शिकवा, कहा पीपुल्स पार्टी ने आमरों के काले कानून की हिमायत की जिस पर अफसोस हुआ। सदर नून लीग ने कहा सिसिलियन माफिया और गॉड फादर जैसे अल्फाज अदलिया को जेब नहीं देते। मुझे पीटीआई से कोई गिला नहीं है क्योंकि पीटीआई के करीब से भी जमहूरियत नहीं गुजरी। एहतसाब अदालत में नवाज शरीफ का खुशगवार मोड़, सहाफी का पर्स गिरा तो बोले जेब में डाल ले, कोई और उठा लेगा तो इल्जाम मुझ पर आ जाएगा। पब्लिक का 30,000 करोड़ रुपया बाहर गया हुआ है और वो किसकी हिफाजत कर रहे हैं? एक मुजरिम की। ये पाकिस्तान की जमहूरियत का इन्होंने मजाक उड़ाया है। जिधर जिधर दुनिया में पता चलेगा लोग हंसेंगे इनके ऊपर कि चोरों को आप बचा रहे हैं। आप जमहूरियत में होके एक डाकू को बचा रहे हैं, एक खानदान जो 30 साल से मुल्क को लूट रहा है आप उसके साथ खड़े हैं और अवाम का पैसा चोरी कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने नवाज शरीफ को नाअहल किया था, खुद को अवाम का नुमाइंदा कहने वालों ने नवाज शरीफ को तहफ्फुज़ देकर जमहूरियत का मजाक उड़ाया, दुनिया को बताया कि हम चोरों को बचा रहे हैं। इमरान खान बरस पड़े, कहा विफाक ने खैबर पख्तूनख्वा के 35 अरब रुपए रोक रखे हैं जबकि अरकान असेंबली में 94 अरब रुपए तकसीम किए। पीपल्स पार्टी ने अदलिया पर हमले करके नवाज शरीफ जमहूरियत डीरेल कर रहे हैं, एतजाज अहसन का जवाब शिकवा, कहा हुदैबिया पेपर्स मिल केस में नवाज शरीफ के खिलाफ चलता फिरता गवाह लंदन में मौजूद, नवाज शरीफ उसे वापस नहीं आने देंगे। आम इंतखाबात बरवक्त कराने के लिए हलका बंदियों के मामले पर हुकूमत ने पीपल्स पार्टी की मदद मांग ली, वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी की आसिफ जरदारी और बिलावल से मुलाकात की ख्वाहिश, खुर्शीद शाह ने पैगाम पार्टी क्यादत तक पहुंचाने की यकीन दहानी करा दी, कहा तहरीरी तजावीज दें ताकि पार्टी क्यादत जायजा लेकर जवाब दे। राजा जफरुल हक ने धरने वालों के मुतालबात नवाज शरीफ के सामने रख दिए, मुशावरती इजलास में नवाज शरीफ का मसला मुजाकरात से हल करने पर जोर, कहा किसी किस्म का तशद्दुद या कुव्वत का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। वजीर कानून जाहिद हामिद की पार्टी सदर को सूरत हाल पर ब्रीफिंग। धरने वाले जाहिद हामिद के इस्तीफे से कम पर राजी नहीं, एहतजाज 17वें रोज भी जारी, फैजाबाद आज भी अवाम के लिए ममनुआ रास्ता बना हुआ है। एहतसाब अदालत में नए प्रोसिक्यूटर और शरीफ फैमिली के वकील ख्वाजा हारिस में गर्मा गर्मी, गवाह मोहम्मद रशीद का बयान कलमबंद, गवाह को कंफ्यूज किया जा रहा है, नए प्रोसिक्यूटर का इल्जाम ये बेजा मुदाखलत है, ये क्यों लुकमा देते हैं? ख्वाजा हारिस का रद्द अमल, हम लुकमा देने ही खड़े हैं। प्रोसिक्यूटर अफजल कुरैशी का जवाब, आपने लड़ना है तो फिर मैं चला जाता हूं। जज मोहम्मद बशीर के रिमार्क्स, शरीफ फैमिली 28 नवंबर को फिर अदालत तलब। नवाज शरीफ और मरियम नवाज ने एहतसाब अदालत में हाजिरी से इस्तस्ना की तारीखों में तब्दीली की दरख्वास्त जमा करा दी, पेशी से इस्तस्ना की मुद्दत 5 दिसंबर से 5 जनवरी की जाए, मरियम नवाज की इस्तदा। फाटा को खैबर पख्तूनख्वा में जम किया जाए, खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत इंजमाम के लिए तैयार है, अदालत हुक्म दे, इमरान खान की सुप्रीम कोर्ट में दरखास्त, सदर मुमलिकत वजारत कानून और दीगर को फरीक बनाया गया। सुप्रीम कोर्ट ने इंतखाबी इस्लाहात एक्ट के खिलाफ दरखास्तों पर रजिस्ट्रार ऑफिस के एतराजात खत्म कर दिए, चीफ जस्टिस का इंतखाबी इस्लाहात एक्ट के खिलाफ अपीलें समाअत के लिए मुकर्रर करने का हुक्म। एक बदन
खाकी के जीने की वजह हो। ऐ वतन तेरा भला हो, भला हो, भला। डेरा इस्माइल खान में दहशतगर्दों से झड़प में पाक फौज के मेजर इसहाक शहीद।